हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग विद डॉक्टर वैदेही। आजकल काफ़ी गार्डनर्स हो गए हैं जो जिनकी रुचि किचन गार्डनिंग में आई है, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑर्गेनिक सब्जी उगाने के फ़ायदे क्या हैं और ऑर्गेनिक के लिए उगाए हुए सब्जियां काफ़ी टेस्टी लगते हैं, केमिकल फ्री होती हैं और खुद की आंखों के सामने उन्हें उगाया जाता है, तो हाइजेनिक और सब सारी डिटेल्स उसकी केयर ली जाती है। तो वैसे ही अगर आपको किचन गार्डनिंग डेवलप करने किचन गार्डनिंग करनी हो या अपनी किचन गार्डन खुद की किचन गार्डन डेवलप करनी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो बेसिक सब्जियां होती हैं वो कैसे उगाई जाती है और बेसिक चीज़ों के साथ कैसे उगाई जाती है, जिसमें आपको कोई एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिक चीज़ें अगर आप सीखते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और जो मिस्टेक्स करते हैं गार्डनर्स वो आप नहीं करोगे। तो इसमें मैंने सब कुछ बताया है। पहले तो मैंने धनिया से स्टार्ट किया है कि धनिया ऐसा सब्जी है ना जिसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार धनिया इसलिए मरता है क्योंकि उसकी ज़्यादा केयर ली जाती है। इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, कौन से क्वालिटी के सीड्स लेने हैं, पॉटिंग सोइल कैसी होनी चाहिए, मैन्योर कब डालना है, प्लांटर कैसा होना चाहिए, फिर कितने टाइम की सनलाइट मिलनी चाहिए, पानी कब देना है। तो स्टार्ट से एंड तक, मतलब सीडलिंग्स सैपलिंग्स बनाने से हार्वेस्ट तक का इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दे रही हूँ, तो बने रहिए लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, हम सबको पता है धनिया जो है वो हर घर में बहुत इस्तेमाल किया जाता है और गर्मियों में तो उसके दाम आसमान छूते हैं। तो धनिया आप घर पे आराम से उगा सकते हो, उसकी कोई भी स्पेशल प्रोसेस नहीं है और कोई भी उगा सकता है, उसमें एक्सपर्टाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको क्या लेना है, पहले तो एक प्लांटर लेना है, एक पॉट लेना है। इसके लिए धनिया के लिए जो आप गमला लोगे वो फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि धनिया का जो प्लांट है इसके रूट्स फाइबरस होते हैं, वो डीप नहीं जाते सॉइल में। इसके लिए आपको प्लांटर का सिलेक्शन जो करना है वो फ्लैट करना चाहिए, ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डीप में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई नुकसान है नहीं, पर अगर फ्लैट हो तो भी चलेगा। तो आपके घर में इधर आप कुछ पड़े हो होटल के टिफ़िन्स या कुछ जो आते हैं खाना वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको ये देखना है कि उसके जो पॉट है, प्लांटर है, उसका ड्रेनेज होल हो, दो या तीन ड्रेनेज होल हो तो अच्छे हैं, ओके, ताकि एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। रही बात पॉटिंग मिक्स की, तो उसके लिए आप 50% सैंड लेना है, 40% आपको मैन्योर लेना है और 10% रिवर्स सैंड लेना है। इनको जो सॉइल है वो थोड़ी लूज वाली लगती है, ताकि इनके रूट्स आराम से, इनके रूट्स तक हवा पहुंच सकें और इनका जो पानी डाले वो तुरंत नीचे आ जाए, जितनी ज़रूरत है उसके रूट्स पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके रूट्स जो होते हैं इसका नेटवर्क फाइब्रस होने के वजह से उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है और नेटवर्क ज़्यादा होने की वजह से मैक्सिमम पानी वो लोग अपने पास सोख लेते हैं। अब रही बात मैन्योर की, तो आप ऑर्गेनिक मैन्योर डाल सकते हो या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, बट आपको देखना है कि इसमें मैक्सिमम आपको रेगुलर बेसिस पर डालना है, क्योंकि धनिया जो है वो हैवी फीडर है, उसको हर 15 दिन में अच्छा खासा खातर लगता है। मैं रिकमेंड करूँगी जियो मैन्योर, क्योंकि जियो मैन्योर में सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो भी नेचुरली पाए जाते हैं, तो उसमें केमिकल फ्री होते हैं और बेस्ट क्वालिटी देते हैं। जहाँ बाकी के मैन्योर डालने के बाद जो आपके प्लांट्स की ग्रोथ होती है, अगर आप जियो मैन्योर डालने के बाद प्लांट्स की ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी डिफरेंट होती है, उसका ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप अपने इतने प्लांट्स लगा ही रहे हो, इतना इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो गार्डनिंग पे, तो जियो मैन्योर यूज़ कीजिए और फ़र्क देखिए, आपको पता चलेगा कि जियो मैन्योर क्यों बेस्ट है। जियो मैन्योर कम्प्लीट फूड है सारे प्लांट्स के लिए, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ जियो मैन्योर, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स डाले होते हैं, प्लस उसमें फंगीसाइड भी डाला होता है जो नेचुरली होता है, और इसकी वजह से आपको अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है।
क्योंकि अगर आप बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स डाल लेने जाओ तो आप देखोगे कि बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, तो इसलिए जियो मैन्योर बेस्ट है और सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। तो आप जियो मैन्योर हमेशा यूज़ कर सकते हो कोई भी प्लांट के लिए, सकेलेंट्स के लिए बहुत कम ज़रूरत होती है, बाकी सारे प्लांट्स के लिए आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो जियो मैन्योर। अभी आप पॉटिंग मिक्स के टाइम ही मैन्योर डाल सकते हो, ओके। जब पॉटिंग मिक्स डालते हो तो उसके बाद आपको 2 मंथ्स के बाद ही जियो मैन्योर को डालना है। जियो मैन्योर ऑफ लीफी वेजिटेबल्स पे सिर्फ ऊपर से स्प्रिंकल करना है। आप सीड्स लोगे, एक बार आपकी पॉटिंग सॉइल बन गई तो आप सीड्स आइडर आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, या फिर जो अपने घर के खाने में जो आते हैं वही सीड्स आप ले सकते हो। उसको क्या करना है, आपको 2 भाग हिस्सों में डिवाइड करना है सीड्स को, बेलन से भी आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद उसे 6 घंटे के लिए पानी में डुबा के रख देना, और जैसे वो फूल जाए 6 घंटे बाद आपको क्या करना है, मिट्टी में उसे स्प्रेड करना है एक लेयर जैसे। आप रोज़ भी बना के डाल सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे स्प्रेड कर सकते हो। फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक लेयर सॉइल की रखनी है ताकि चिड़िया और एंट्स उसे खा ना सके। 15 दिन के अंदर आप देखोगे, 15 दिन के बाद आप देखोगे कि ऐसे जर्मिनेश हो जाएंगे आपके सीड्स और छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे और काफ़ी खूबसूरत से पौधे आते हैं। आप देख सकते हो ये 15 दिन का है। आपको इसे फुल सनलाइट में रखना है, समर हो विंटर हो रेनी हो, आपको इसे फुल सनलाइट में रखना है, तभी जाके ये अच्छे से ग्रो होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना खूबसूरत इनकी ग्रोथ है। अगर आप ऑनलाइन सीड्स मंगाते हो तो सीड्स का कलर ब्लू होगा क्योंकि वो फंगीसाइड के साथ ट्रीट किया जाता है। अब ये देख सकते हो आप, 1 महीने का ग्रोथ है ये, कितना खूबसूरत आया है और कितना ज़्यादा आया है एक पॉट में लगाने के बाद भी। ये टब देखो, टब में अच्छे से किया हुआ है, ज़्यादा इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बीच में अभी इसको अगर हम पानी ऊपर से डालते हैं तो क्या होगा, ये टूट सकता है, इसलिए हमने क्या किया, इस पॉट के बीच में हमने एक पाइप रखा है, ओके। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम पानी डालते हैं, इसके अंदर हम कंपोस्ट भी डालते हैं, इसके अंदर हम मैन्योर भी डालते हैं। ये देख सकते हो ये 2 महीने का है, कई बार हार्वेस्ट ले लिया है। आप जितना ज़्यादा हार्वेस्ट लोगे उतना अच्छा उसका ग्रोथ होगा, पर ये देखना है आपको हार्वेस्ट लेने के बाद तुरंत आपको उसको पानी देना है और मैन्योर आपको हर 15 दिन में देना है ताकि इसकी जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से निकल गए हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसे वापस मिल जाए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफाई मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।